जय माता रानी, जय माँ भवानी सभी मित्रों को। दोस्तों आज थोड़ा सा एक विशेष ज्ञान या जानकारी समझ लीजिए आपके लिए, क्योंकि क्या है ना कि कई लोग खैर मतलब पूछते हैं इस बारे में और मैं समय समय बताता भी रहता हूँ, पर एक पूरा वीडियो बना दे रहा हूँ इस टॉपिक पर कि कितने मंत्र एक साथ करने चाहिए और कौन कौन से करने चाहिए, क्यों और क्यों करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए, कौन कौन से मंत्र। टॉपिक ये है, मुझे बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ही आपको ज्ञान का पता चलता है और आपकी जो आप सीख रहे हैं आप लोग ले लेकर लोगों से, तो उसकी ज्ञान का पता चलता है आपको। तो पहली चीज देखिए, यदि आप साधना क्षेत्र में हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं और आपको पारलौकिक जगत आकर्षित करता है, आप उसमें कुछ सोचते हैं करने के लिए, सिद्धियाँ पूजा पाठ वगैरह जो भी आप करने का ध्यान करते हैं सोचते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले तो आपका आत्मबल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बिना इस क्षेत्र में उतरना बेकार है। आत्मबल के संग संग आत्मबल तो आ गया कि हाँ साहब मैं मजबूत हूँ, मैं ये करूँगा, ये हो जाएगा, साथ ही परिस्थिति से लड़ने का जज्बा होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब हम किसी साधना को लेकर चलते हैं या कोई भी सौम्य से सौम्य मंत्र, उग्र से उग्र मंत्र को लेकर के चलते हैं, तो हर मंत्र की एक परीक्षा होती है, हर मंत्र का एक विधान होता है, उस परीक्षा को पास करना, उस विधान को पूर्ण करना ये बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग इस चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि क्या है ना कि हम जल्दीबाजी में तो अपने लिए मंत्र का चुनाव करते हैं और चुनाव करने के बाद उस मंत्र के आधार पर अपने आप को आगे भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, चलते जाते हैं उस क्षेत्र में। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं, चल रहे हैं आप, लेकिन दिक्कत तब है कि जब वो मंत्र आपको या तो बिल्कुल फल नहीं दे या उसके साइड इफेक्ट उस समय से शुरू हो जाए आपके ऊपर, ठीक है ना। पर इन चीज़ों को मैं स्पष्ट कर दूं कि साइड इफेक्ट ये भी नहीं होते कि लोग कहते हैं कि गुरुजी शरीर में कंपन होता है या फिर गुरुजी सपने में भयानक भयानक आते हैं या गुरुजी ऐसा होता है कि उसके बाद से मन उदास, ये तो आपकी परीक्षा है, ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये परीक्षा है। साइड इफेक्ट तो भयंकर होते हैं, दुर्घटना हो गई, हानि हो गई, वो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। ये तो आपकी परीक्षा चलती है कि आप कितने मजबूत हो, आप उसको कहाँ तक लेके चल सकते हो, कहाँ तक लेके नहीं चल सकते हो, असली मैटर वो है। अब इसमें दूसरा जो पड़ाव हमारा होता है जिसको हमको पार करना बहुत जरूरी है, पहले तो आत्मविश्वास ये सब चीज़ें आ गई है ना, दूसरा पड़ाव जो हमें पार करना बहुत जरूरी है, हमारा गुरु बहुत मतलब जानकार या फिर गुरु अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ को लेना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, हमें सिखाने वाला उसका परफेक्ट होगा, तभी हम उस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। अन्यथा वो अगर इसमें मामला मतलब कम नॉलेज वाला है, इस क्षेत्र में पूरी तरह नोन नहीं है, अननोन है या न्यू है, क्योंकि देखिए दोस्तों कितना भी ज्ञान हो व्यक्ति में, कितना भी ज्ञान हो उसने, कितना भी किताबें पढ़ ली हो, कितना भी मनन कर लिया हो, अध्ययन कर लिया हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा एक अनुभव होता है और वो उन चीज़ों को लगातार देखते रहने से, समझते रहने से, करने से, अपने सिद्धांत बनाने से, वो एक उम्र के बाद ही आता है। अगर आप चाहो कि मेरी तरह कि 30 साल का अनुभव एक दिन में ले लो या एक साल में ले लो, दो साल में ले लो, 5 साल तक दे रहा हूँ आपको, तो भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो एक ज़माना ऐसा गुजर चुका होता है, ऐसी चीज़ें गुजर चुकी होती हैं जिस समय पर जो पुराने साधक हैं, जो अपनी एक अवस्था पर चल रहे हैं आज, उनके ज्ञान का और जो नए सीख रहे हैं या नए एकदम से उभर के आ गए, उनके ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर देखा मैंने। वो क्यों देखा मतलब मैंने आपको बताऊँ, क्योंकि देखिए जोश से कोई चीज़ पूरी तरह हासिल नहीं हो सकती है, या फिर आप धुआंधार 10-10 घंटे बैठ रहे हैं, 8-8 घंटे बैठ रहे हैं, उस तक कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। उसी चीज़ को जानकर एक 10 मिनट रोज़ की पूजा में हासिल कर सकता है, मालूम आपको, ध्यान धारणा और समाधि से। अब ध्यान धारणा समाधि ये बहुत कठिन विषय है दोस्तों, इसको मोबाइल के जरिए नहीं समझाया जा सकता है। मेरे पास जो साधक शिष्य आते हैं, जो बड़े बड़े पहुँचे हुए भी लोग आते हैं जो जानते हैं चीज़ों के बारे में अच्छा, तो ये चीज़ें वहाँ पर फिर सामने आती हैं, खुलती हैं। ध्यान से चूके तो साधना से गए, धारणा अगर नहीं बना पाए तो साधना से गए, और समाधि तो फिर बहुत कठिन है, ये बात है। तो इसीलिए साधक को हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। अब उसकी जो दूसरी सीढ़ी बताई वो होता है गुरु मंत्र। यदि गुरु मंत्र आपका पक्का नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे,
गुरु आपके आपको नहीं समझा पा रहे तो आप फेल हो जाएंगे। गुरु आपको समझा पा रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे तो आप फेल हो जाएंगे। यदि यदि चीज़ें आ रही हैं और आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो आप फेल हो जाएंगे। यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है फिर भी इग्नोर कर रहे हो तो भी आप फेल हो जाएंगे। यदि कोई चीज़ आ रही है और अपने गुरु से छुपा रहे हो तो भी आप इग्नोर मतलब फेल हो जाएंगे। ये हर अवस्था फेल की है, ठीक है ना। यदि आप उस एनर्जी को ऊर्जा को नहीं झेल पा रहे हो और आप इस चीज़ को हल नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को बता नहीं पा रहे, अपने गुरु को बता नहीं पा रहे हो, तो इसमें आप पूर्णतया फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ का ये कायदा है कि जब हम साधना क्षेत्र में उतरते हैं तो ये दो पड़ाव हमें पार करने होते हैं। गुरु अच्छा होना चाहिए और गुरु मंत्र आपके पास होना चाहिए। पहला आपके ध्यान धारणा समाधि मजबूत होनी चाहिए। अब तीसरा हम पॉइंट पे आते हैं, साधना को लेके चलना अलग बात है और साधना को लेके चल करके लास्ट समय पर जब साधना पूर्ण करने वाले होते हैं ना दोस्तों, तो लास्ट समय पर क्या होता है कि हम लोग, और दोस्तों साधक की तो हर वक्त परीक्षा चलती है, जो साधक होता है उसकी हर वक्त परीक्षा चलती है और वो तो तैयार रहना चाहिए सब परीक्षा के लिए। जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ आपको पहले से ही मालूम है कि इसमें आपके लिए चुनौतियाँ होंगी, ठीक है ना, आपके लिए परीक्षाएँ होंगी, कठिन घड़ियाँ होंगी, तो आपके लिए कुछ इसके लिए स्टार्ट रहना चाहिए। अमूमन मैंने देखा है और मेरा अनुभव रहा है, जो आधी श्रद्धा से या केवल जोश में आकर के जल्दीबाजी में आकर के या कुछ चमत्कारी चीज़ के चक्कर में अध्यात्म में आते हैं या तंत्र सिद्धियों के क्षेत्र में आते हैं, वो हमेशा विफल होते हैं, फेल होते हैं। वो कभी भी सक्सेस नहीं देखे मैंने। एक चीज़ और इसमें देखी मैंने, ऐसे लोग जो सक्सेस नहीं होते वो इसको एक तरह से कई बार पेशा भी बना लेते हैं। वो देख लेते हैं इसमें कि ठग बहुत हैं इसमें, तो वो भी ठग बनने की कोशिश करते हैं। ये भी हमने अनुभव किया मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि देखा मैंने, आपने देखा होगा कई लोग पहले पीड़ित थे, जिनमें से सैकड़ों को तो मैं जानता हूँ जो पहले पीड़ित थे और वो बाद में इस क्षेत्र में आकर के दरबार तक लगा बैठे हैं, जबकि वो बहुत भयंकर बाधाओं से पीड़ित थे पहले, मसान बाधा, जिन्न बाधा, प्रेत बाधा, तो वो बाद में दरबार लगा बैठे दस साल में। तो वो सब चीज़ें बड़ी विचित्र हैं, वो चीज़ें इंगित करती हैं कि वो सही तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दूसरों का इलाज उल्टा शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा इस क्षेत्र में बहुत पैसा है और नाम है, है ना, उस पैसा और नाम के चक्कर में। और लोग बाग भी, मतलब ये बता रहा हूँ, अंधविश्वास की भी वो होती है, लोग बाग भी बहुत उनको भाव देते हैं, देते क्यों कि वो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं, तो वो बड़ा परेशानी वाला विषय इस क्षेत्र के लिए, वो भी एक टॉपिक बन जाता है कि उस क्षेत्र में उनको जब वो नॉलेज देंगे ऐसे लोग जो पहले से ही परेशान रहे और वो कभी सही नहीं हो पाए, तो वो नॉलेज इस प्रकार की होगी कि वो नॉलेज उनके दूसरों के भी जीवन को उसी प्रकार उसी ढाते पर ले जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें एक बड़ी विडम्बना वाली हैं, जो इंसान है ना, जो लोग समझते नहीं चीज़ों को, मालूम वो उनको खूब विद्वान समझते हैं, उनको वो देते हैं, क्योंकि क्या है ना, आपने देखा होगा शो होती है ना, शो आदमी को आकर्षित करती है, शाइनिंग आदमी को आकर्षित करती है, और जो रफ एंड टफ होती है चीज़ वो आकर्षित नहीं करती इतनी जगह अपनी तरह से, लेकिन जो रफ एंड टफ होती है वो हमेशा आगे लंबा चलने वाली होती है और हार्ड होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको ऐसे भी इनकी भी पहचान करनी पड़ेगी तब आप इस क्षेत्र में हैं, तो क्योंकि अगर आप ऐसे से कुछ चीज़ लेंगे तो उनको अपना नहीं, खुद का ज्ञान है तो वो आपको नहीं दे पाएंगे कुछ भी। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो अब जी आपको मालूम है ये आजकल ये दरबारों का प्रचलन क्यों चला, क्योंकि पहले कुछ खास ही लोग थे, कुछ गिने चुने पूरे भारतवर्ष में जो चल रहे थे, फिर इस क्षेत्र में तरह तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के, लालची, लोभी, वासनामयी व्यक्ति भी इसमें घुस गए। तो वो एक चलन ऐसा चल गया कि कुछ लोगों को छोड़ करके, कुछ बहुत अच्छे हैं, बहुत जानकार भी हैं इसमें, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो फिर उसी ढर्रे पर लोग चलने लग गए और लोगों ने कहा कि हम सब कुछ करते हुए मज़ा लेते हुए ज़िंदगी के और इस क्षेत्र में उतरते हैं तो क्या बुरा है, शान शौकत पैसा है,
ठीक है ना, थोड़ा सा वेशभूषा ही तो वो रखनी है, माला डाल करके, ये भी है। तो ये क्योंकि तो ये भी चीज़ें मेरे पास काफ़ी आती हैं, लोग बताते रहते हैं, गुरुजी वहाँ गया था, वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ और बड़ा बुरा हाल हो गया। अब तो मतलब पहले तो भी पहले हनुमान जी की साधना कर लेता था, तो अब तो हनुमान जी की साधना भी छूट गई उसके बाद से। तो मैं उनको यही सब चीज़ें समझाना चाहता हूँ, जैसी मनोवृत्ति या जैसा नेगेटिव स्वभाव या नेगेटिव प्रभाव जिस व्यक्ति पर हो, उससे चीज़ें लेने लोगे तो वो नेगेटिव प्रभाव ही होगा आपके ऊपर। ये चीज़ साधना क्षेत्र में। अब हम आते हैं उन मंत्रों की तरफ कि एक साथ मंत्र कितने करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए। दोस्तों जैसे तो साधनाओं का अगर देखा जाए तो साधना तो एक टाइम पर एक ही चलनी चाहिए, अन्यथा वो एनर्जियों का शक्तियों का घालमेल हो जाता है। वैसे बगला और धुमा की साधना एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर टाइम का परिवर्तन हो जाए, समय परिवर्तन हो जाए सुबह शाम का, तो वो चल सकती है। दतिया में महाराज जी ने बगला धुमा सामने बैठा रखी हैं, महाराज जी ने दतिया में बगला धुमा सामने बैठा रखी हैं। मैं जब साधना करता था 15 साल पहले जब बहुत तगड़ी साधना थी मेरी बगला मुखी की, सोमाला की, तो मैंने वहाँ पर ये देखा था दोस्तों कि मुझे नहीं मालूम था ये महाराज जी वाला खेल, लेकिन एक ध्यान आया, एक ध्यान के माध्यम से आया कि तुझे इसके साथ धुमा करनी है। ओम धूम धूम धुमावती फट, ओम धूम धूम धुमावती फट। तब मुझे ये लगा कि ये तो बहुत एंटी मामला है, बहुत एंटी कनेक्शन है, लेकिन जब किया तो धुमावती की जो विध्वंसक शक्ति है, उसने बगला मुखी की जो विध्वंसक प्लस शांत शक्ति है उसको दोगुना कर दिया। तो जी हमें समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है कोई महाविद्या सिंगल में एक दूसरे के पूरक न हो, लेकिन उनका कुछ मेल ऐसा भी बन जाता है कि वो बहुत तेज हो जाती है। तीन मंत्र यदि आप करते हैं, तीन साधना एक साथ, तो जी आपके लिए बहुत डिफिकल्टी वाली बात है। छोटा अनुष्ठान तो चल जाएगा 2, 5, 10, 11 दिन का, लेकिन अगर बड़ी आप कर रहे हैं लंबी, तो वो कतई ना करें। छोटा मोटा कर सकते हैं, जैसे एक 11 मंत्र कर रहे हैं, 21 मंत्र कर रहे हैं किसी की, एक माला कर रहे हैं किसी की, तो दो तीन चार मंत्र कर सकते हैं, वो भी साधना विधान से। लेकिन अनुष्ठान पूर्ण अनुष्ठान का विधान जो लॉन्ग टर्म उसके लिए है, लॉन्ग टाइम के लिए, उसमें आप कतई नहीं कर सकते, वो आपको दिक्कत देगा। दिक्कत इसलिए देगा कि जवान पे एक मंत्र चल रहा है, फिर जवान पर दूसरा मंत्र चलेगा, फिर आपकी जिह्वा पर तीसरा मंत्र चलेगा, तो आपकी टंग डिसबैलेंस हो जाएगी। तब क्या कि वो किसी मंत्र की चीज़ को धरा प्रवाह संभाल नहीं पाएगी। इस बात को आप अजमा के देख लें, आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा। तीन साधनाएं करें आप या दो साधनाएं कर रहे हैं आप, तो आप अजमाइएगा। एक साधना में आपको गर्मी महसूस होती है, दूसरे में आपको मध्यम महसूस होता है, और तीसरे में ठंडक महसूस होती है। ये फैक्ट है। जब हम किसी एक ही साधना को पकड़ के या किसी एक ही क्रिया को पकड़ के हम चलते हैं, तो वो बहुत उच्च लेवल पर होती है, बहुत उच्च लेवल पर। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर न पटक के उसी में चलता रहता है, तो हम और ऊपर और ऊपर और ऊपर, हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में ऊर्ध्व गति प्राप्त करती है, वो निम्न गति नहीं हो पाती, फिर वो ऊर्ध्व ही होती जाती है। ये भी है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, तब आपके समझ में आएगा कि इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा गया मैंने कि व्यक्ति को मालूम नहीं स्वभाव, काल भैरव का मंत्र चल रहा है तेज, और उसी में आपने बगला मुखी या धुआंवती या महाकाली उठा ली एकदम से, इतना भयंकर ऊर्जा का विस्फोट होगा जो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। अत्यधिक गर्मी, एक विखंडन ऊर्जा का विस्फोट, एक बिग एक्सप्लोजन। दोस्तों मेरा उद्देश्य कभी भी आपको डराना या वो नहीं करना होता है। अभी दोबारा आना पड़ा मुझे, दोबारा रोक करके, कभी थोड़ा सा कोई आ गया था
तो शिवरात्रि के द्वारा आरंभ होगा। देखिए, मेरा उद्देश्य कभी आपको डराना या फिर आपको भयभीत करना साधना के क्षेत्र में नहीं है, पर एक चीज़ भी है कि जब हम किसी चीज़ को करेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो दोस्तों होती है, वो तो आपको ही मानना पड़ेगा। यदि आप पानी में पत्थर फेंकोगे तो लहरें तो आएंगी, वो तो अवश्य है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, भगवान कभी किसी का नुकसान नहीं करते। हम साधनाएं करते हैं, शुद्ध साधनाएं करते हैं और बड़ी साधनाएं करते हैं, बड़े देवता ही करते हैं, तो वो हमारा अहित कभी नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है जो आप समझेंगे, यदि हम पहले से ही सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे और हमें मालूम है वो रॉन्ग वे है ना, और जो हमारा हार्ड वर्क है वो रॉन्ग वे में अगर जाएगा तो वो हार्ड वर्क उस रॉन्ग मतलब मैटर को ही जन्म देगा, वो गलत मतलब चीज़ों को स्थिति को ही लेके आएगा, गलत चीज़ को ही लाएगा। तो मेरा समझाने का मुख्य उद्देश्य होता है आपको, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा जिस क्षेत्र में आप लगाएंगे वो उसी तरह का प्रभाव देगी। अब जो फ़ायदा उस चीज़ से मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, चलिए नुकसान नहीं होता और आपकी इतनी सारी मेहनत इतने दिन आपकी ख़राब हो जाती है, वो गलत है ना। तो मेरा लोग कहते हैं गुरु जी आप कभी डराते हो इन चीज़ों, नहीं, किसी भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए और गुरु आज्ञा से ले लीजिए, उस चीज़ में लगे रहिए लगे रहिए, तो आपको आगे निकाल देंगे। मेरे कई शिष्य भी ऐसे भी हैं, कई जानकार ऐसे भी हैं जो 20-20 साल से 25-25 साल से एक ही देवता को पकड़े चलता है, उनको कोई भी मंत्र वो ले लेते हैं लेकिन चलते उसी पर हैं। वो अच्छी बात है, तो मुझे खुशी भी होती है, तो उसमें लगता है कि हाँ साहब जी राइट वे में चल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आगे जानकारी और देंगे दूसरे वीडियो में। दोस्तों, आगे की जो जानकारी रहेगी आपके लिए वो ये रहेगी कि किस मंत्र को किस मंत्र के साथ करना चाहिए और किस मंत्र को किस मंत्र के साथ नहीं करना चाहिए। आगे का जो वीडियो होगा अगला, तो उसमें इसकी जानकारी रहेगी, तो आप इंतजार करें, बहुत रोचक वीडियो है। क्योंकि हो सकता है आप गलत साधना कर रहे हो सकता है आप अपना नुकसान कर रहे हो, तो वो सब बच जाएगा आपका और आप एक राइट वे में जा सकेंगे, एक सही डायरेक्शन में। जय माँ भवानी, जय माता रानी, ओम रीमकलाम।